Hey, good morning everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to Chitranshu's Daily Vlog. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. थोड़ी दुविधा में हूँ इसलिए कुछ टाइम से एपिसोड नहीं आ रहा है, लेकिन अभी कंटिन्यू एपिसोड आएगा. और इतना सारा प्यार देने के लिए, फेसबुक पे फॉलो करने के लिए, 1K सब्सक्राइबर करने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया. आप लोग की वजह से मुझे फिर से कंटिन्यूएशन में इस वीडियो को करना पड़ेगा. तो आपने अभी तक जितना सपोर्ट किया है उसके लिए रियली थैंक यू. और ऐसे ही दिल से सपोर्ट करिए. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, आपको कुछ यूनिक दिखाता हूँ. हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू चित्रांशुष डेली ब्लॉग. अभी ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के 11:15 बजे. कुछ स्पेशल ओकेजन है उसके लिए. सो आप सोच रहे होंगे कि क्या स्पेशल है, तो उसके लिए मैं बता दूँ, मैंने ये ब्लॉग ये मंदिर से स्टार्ट किया. तो मंदिर से स्टार्ट करने का पर्पज़ यही था कि हमने 4 साल पहले एक प्लांट लिया था. उस प्लांट का नाम है ब्रह्म कमल, जो कि रात के टाइम पे ही फ्लावर देता है. और इस ब्रह्म कमल का बहुत ही वैल्यू है. इसको ऐसा कहा जाता है कि बहुत लकली ही ये पौधे से फ्लावर निकलता है, और इसका फ्लावर 1 से 2 दिन के लिए ही रहता है. सो अभी मैंने पूजा की इसकी. पूजा के लिए मैंने ये देखिए एक थाल सजाया हुआ था, और अभी मैं आपको दिखलाता हूँ ये प्लांट, जो कि कुछ दिखने में ऐसा है. ये प्रसाद चढ़ाया था. ये फ्लावर देखिए, बिल्कुल ही डिफरेंट, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है. और एक फ्लावर और आने वाला है, जो कि ये बैक साइड में इसका एक गली दिख रहा है. इस फ्लावर का क्या कहूँ मैं, दिखने में इतना खूबसूरत है फ्लावर, आंखों को बहुत ही सुकून मिल रहा था. और इस सुकून के साथ मैं इसे बार बार निहारते जा रहा था. और इसके अंदर की जो भी संरचनाएं थी वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि इसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता. बट फिर भी आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर एक बार कमेंट में बतलाइएगा. और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इस तरीके के बहुत सारे ब्लॉग आपको दिखलाई देंगे. तो चलिए बने रहिए इस पर और इसका आनंद उठाइए. मिलता हूँ मैं आपसे आगे की क्लिप में. तो दोस्तों अभी देखिए इन्हें हमें लाना पड़ा अपने मंदिर में. भगवान हमारे मंदिर में विराजमान हुए हैं, ये यहाँ पे भी हैं. तो बताइए आप लोग कि आपने ब्रह्म कमल की पूजा कैसे की थी. मैंने तो जिस तरह से मुझे भगवान ने समझाया है उस तरीके से की. भगवान अभी बुद्धि दें, सब बुद्धि दें, इसी तरह हमारे मंदिर में विराजमान रहे हमेशा की तरह, हमेशा के लिए, जिससे हम उनका सद्गुण अपने अंदर अपना सके. बोलिए गिरधारी लाल की जय, ब्रह्म भगवान की जय. जय देव, जय देव, जय
जय मंगल मूर्ति संपन्न हुई है। इन तीनों के आगमन में आज ये अखंड ज्योति पूरी रात इनकी सेवा करेगी। तो बोलिए कि धरी लाल की जय। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी संदली संदली मरमरी मरमरी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 आफरी। हे YouTube फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू प्रांशुष डेली व्लॉग। अभी मैं बैठा हूँ नहा धो करके और कल आपको जैसा सामने ब्रह्म कमल की पूजा का वीडियो दिखलाया था सो आज मैं ट्राई करूँगा कि इस ब्रह्म कमल को शिव जी के मंदिर में प्रॉपरली अर्पित कर दिया जाए ताकि सबकी विशेष पूरी हो जाए। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे और मैं आपको दिखलाता हूँ शिव जी का मंदिर सावन में संडे को कैसा दिखता है। संडे को थोड़ी भीड़ जरूर कम रहेगी लेकिन यहाँ से हम प्रिपेयर होकर के निकलने वाले हैं। साथ ही मैं जाने वाला हूँ और छोटा भाई जाने वाला है ऐसा। सो आपको कल का वो छोटा सा क्लिप कैसा लगा जरूर बताइएगा और माइक भी आज ये व्लॉग भी आ जाएगा पूरा जिसमें ब्रह्म कमल के बारे में बतलाया जाएगा। सो आप मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में।
तो दोस्तों देखिए, जा रहे हैं हम अभी अपने एक और ब्रह्म कमल की पूजा करने के लिए। और आपको ब्रह्म कमल के बारे में अगर थोड़ा बहुत विमर्श को पता है वो बताएगा। ब्रह्म कमल बहुत मुश्किल से निकलता है, बहुत भाग्य से मिलता है दर्शन करने के लिए। वैसे तो कहा जाता है कि रात को 12 बजे खिलता है, लेकिन हम लोग का भाग्य है कि हम दोनों भाई को 9:30 बजे दर्शन के लिए मिल गया। टाइम देख सकते हैं आप, ये देखिए सो जाने का सभी मिलता है। टाइम अभी 9:30 हो रहा है और हमारे साथ ऐसा भगवान ने मौका दिया तो पूजा भी अच्छी तरीके से। तो हम चल रहे हैं पूजा करने के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हम दोनों रेडी होकर के आए हैं और आपको अब दर्शन दिखाते हैं हमारे। ये देखिए द्रौपदी थोड़ा दूर ही रखेंगे, फूल है जल्दी पूजा जाएगा, गमले पे ही रखना। कल मैंने पूजा की थी तो आज विमर्श को मैं फूल की कमी है, भगवान फूल की ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे जो जो है सब थोड़ा थोड़ा चढ़ा दो। दीपक, दीपक दीपक पहले दीपक पहले तेल वाला दीपक दिखा लो ना, जो जल रहा है इसी से जला लो। हाँ बाबा तेज थोड़ा उधर कर लो, दीवार के साइड वो भी बुझ जाएगा। मेरे बहुत है भगवान, अभी कल तो मीठा चढ़ाए थे ना। मैं भी पूजा कर लेता है। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, देखो एक फोटो लेने इधर देखो। तो दोस्तों जैसा कि मैं जितना जान पाया हूँ ब्रह्म कमल के बारे में, ये है ये पौधा जो कि आपको दिखने में तो बहुत ही नॉमिनल सा लगता है, बट ये देखिए ये जो ब्रह्म कमल निकलता है पत्तों से निकलता है। और यहाँ पे हमने अभी पूजा ख़त्म की है, पूजा करके ये पौधा देखिए अंदर से इतना खूबसूरत रहता है कि जिसका आपको मैं क्या वर्णन करूँ। ये दिखने में भी बहुत सुंदर, ये देखिए अंदर का हर एक दृश्य जैसे स्वर्ग का आभास कराता है। मैंने स्वर्ग तो नहीं देखा है, लेकिन मुझे ऐसी जरूर उम्मीद है कि जहाँ भगवान रहते होंगे वो कुछ ऐसा ही जगह होगा, भले उसे स्वर्ग का नाम दें या फिर परमात्मा का नाम दें या ईश्वर का नाम दें। तो सभी लोग जो भी इसे देख रहा है एक बार जरूर अपनी विशेष मांग लीजिए और भगवान जी सबकी विशेष पूरी करें। ये पत्ते से निकलता है, पत्ते से निकल करके कली बनता है, कली बनने के बाद फिर इसके बाद ये पूरा पौधा कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए मैंने इनका ये पकड़ा हुआ है और अभी मैं इनको
विश्राम करने देते हैं और इसे आज के दिन तक हम देख सकते हैं, क्योंकि ये आज रात भर ही खिला रहेगा, चाहे मैं इसे तोड़ूं या ना तोड़ूं। तो ऐसी भी प्रथा है कि इसे तोड़ा जाता है, तोड़ करके अपने मंदिर में चढ़ा दिया जाता है। और सुबह कल सावन का दिन है, सावन का तीसरा सोमवार है, तो इसे हम भोलेनाथ के मंदिर में समर्पित कर देंगे। तो ये दर्शन बहुत ही लाभकारी है, आप भी इसका आनंद उठाइए। और मेरे इस ब्लॉग में मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मैं आपको ज़रूर ऐसे ही शानदार वीडियो दिखलाता रहूँगा। और मिलूंगा आपसे मैं किसी और अगले ब्लॉग में। टिल देन ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।